लोकमत मीडिया ने 24 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अंतर्धर्मीय सम्मेलन का नागपुर में आयोजन किया है। मध्य भारत में यह अपने ढंग का पहला कार्यक्रम होगा। सम्मेलन 24 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में किया गया है। सम्मेलन का विषय होगा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए वैश्विक चुनौतियों और भारत की भूमिका। लोकमत के नागपुर संस्करण के स्वर्ण जयंती महोत्सव के तहत यह अनूठा आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सम्मेलन के मुख्य अतिथि होगी, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस एवं नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु के संस्थापक पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के संस्था के पूजनीय स्वामी बाबा रामदेव, अहिंसा विश्व भारती दिल्ली के संस्थापक पूजनीय आचार्य लोकेश मुनि, दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर के गदीनशीन पूजनीय हाजी सैयद सलमान चिश्ती, जीवन विद्या मिशन मुंबई के संस्थापक पूज्य प्रहलाद वामनराव पै, मुंबई के आर्च बिशप पूज्य कार्डिनल ओसवर्ल्ड ग्रेसियस, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह के संस्थापक पूज्य भिक्कु संगसेना और बाब स्वामीनारायण संस्था के ब्रह्मा विहारी दास स्वामी प्रमुख वक्ता रहेंगे। ब्रह्मा विहारी दास स्वामी सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष रूप से अमेरिका से पधार रहे हैं। जैसा कि हम सब आज देख रहे हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और यहाँ तक कि निर्दोषों की हत्याएं भी की जा रही है। जब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण तथा निंदनीय घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही है, तब भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में सदियों से सभी धर्मों एवं पंथों के लोग सौहार्द के साथ रहते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति ने हमें वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र सिखाया है, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक परिवार की तरह है। हमारी संस्कृति प्रेम सहिष्णु और भाईचारे की है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमने 24 अक्टूबर 2021 को नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें हमने जिसका विषय है ग्लोबल चैलेंजेस टू कम्युनल हार्मनी एंड रोल ऑफ इंडिया, सांप्रदायिक सौहार्द के संदर्भ में वैश्विक चुनौतियां और भारत की भूमिका। इस कॉन्फ्रेंस में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, बाबा रामदेव जी, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि जी, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती जी, जीवन विद्या मिशन के प्रहलाद वामन और पई जी, मुंबई के आर्च बिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस जी, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख के भिक्कू सिंह संघ सेना जी तथा BAPS स्वामीनारायण संस्था के ब्रह्मा विहारी दास स्वामी जी शिरकत करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट जो है वो हमारे लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी है और इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के विधानसभा के विपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी और नागपुर शहर के महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का एकमात्र मुख्य उद्देश्य विश्व में भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। नागपुर से उठने वाली ये आवाज पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए और वह प्रेम शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश फैलाए। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य यही है। मौजूदा हालात में भारत की भूमिका क्या है और दुनिया में धार्मिक सद्भाव तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए यह धर्मनिरपेक्ष देश क्या योगदान दे सकता है, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लोकमत मीडिया ने इस आयोजन में धार्मिक नेताओं एवं धर्माचार्यों को आमंत्रित किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।